जो जो भी कमिटमेंट्स इन सरकार में हुई है, चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई हो, चाहे आरजेडी की तरफ से हुई हो, चाहे जेएमएम की तरफ से, ये बिल्कुल फुलफिल करेंगे। सहायक पुलिसकर्मी का बिल्कुल ही मुद्दा अलग है, क्योंकि जिस समय डबल इंजन की सरकार थी उस समय इन लोगों को नियुक्तियां दी गई थी और वो कंडीशनल नियुक्ति दी गई थी। तो ये सवाल तो बीजेपी के सांसदों को केंद्र सरकार से करना चाहिए। रघुवर जी ने नियुक्ति दी थी तो उस समय ये कंडीशन क्यों रखा गया था, ये कंडीशनल नियुक्ति क्यों दी गई थी? आप एक ही आदमी को रोजगार देते लेकिन पावरमेंट देते, उस पर वर्कआउट करने में निश्चित है कि हेमंत जी को समय लग रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा विश्वास है कि वो अच्छा निर्णय लेंगे। समाचार 24/7 से अंकित सिंह बोल रहा हूँ। मैं इस समय अलगोरा रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ लोगों से जानना चाहूँगा, जहाँ तक कोरोना काल की बात करें, इस समय वैक्सीनेशन चल रहा है और मोदी जी कहते हैं कि हमने 100 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दिया है। हम लोगों से जानना चाहेंगे, क्या मोदी जी को 100 करोड़ कह रहे हैं, क्या उन्हें पता है कि अपने देश में कितनी जनसंख्या है, लोग क्या कहते हैं? आइए हम सुनते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम गौतम उपाध्याय है। गौतम उपाध्याय जी, जो फ्री वैक्सीनेशन चल रहा है केंद्र का मुहिम, इसके विषय में क्या कुछ? मुहिम तो बहुत अच्छा है, फ्री वैक्सीनेशन मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेंडेमिक का मतलब ही यही होता है कि केंद्र सरकार उसकी जिम्मेवारी ले। किंतु एक विषय ये उठ के आता है कि अभी हम हर जगह देख रहे हैं कि बीजेपी वालों का पोस्टर बैनर, मोदी जी का पोस्टर बैनर लग रहा है कि 100 करोड़ जनसंख्या को हमने फ्री वैक्सीन दिया। एक गणित थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ इन लोगों से। जब हमारा 2019 में सर्वे हुआ और जनसंख्या हम लोगों का 135 लाख है, 135 करोड़ है, सॉरी, ठीक है, तो 135 करोड़ में आपने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दिया, बचते हैं 35 करोड़ जनसंख्या, ठीक है। अब उन्हीं का जो कैलकुलेशन है वो ये कहता है कि 35.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो बिलो 18 ईयर्स है। इसका मतलब हो गया कि 47 करोड़ बच्चे हैं हमारे देश में। तो अगर हम 135 करोड़ में 47 करोड़ माइनस कर दें तो जनसंख्या कहाँ पे आ जाती है, कैलकुलेशन कहाँ आ जाता है? तब तो ये तो 93 करोड़ में आ जाते हैं। तो ये 100 करोड़ का आंकड़ा पहुँचे कहाँ से? तो इस तरह का जो विचार है ये गंदा है, लोगों को भ्रमित करने वाला है कि 100 डीजल और पेट्रोल 100 पे आ गया है, उस पे बात करें। बेरोजगारी, हर दिन 100 युवा लोग जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, 100 मतलब एक चौक चौराहे पे मिल जाएंगे, देश और प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए। जहाँ तक इनके 2014 के मैनिफेस्टो की बात करें तो इन्होंने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। लगभग 7 साल हो गए इनके कार्यकाल के, तो 7 × 14 करोड़ लोग रोजगार हो गया, लेकिन अभी तक कोई रोजगार नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं रोजगार के मायने में मोदी सरकार बिल्कुल क्या दिख रही है, असफल दिख रही है? बिल्कुल असफल है, जब जनसंख्या ही कैलकुलेशन ही उनके पास सही नहीं है। 2019 में उनकी केंद्र की सरकार थी, जब उनकी केंद्र की सरकार के पास डेटा ही उपलब्ध नहीं है तो 2 लाख नौकरी और 2 करोड़ नौकरी तो बहुत दूर की बात है। 2 लोगों को रोजगार दे दें, हाँ ये हम लोग जरूर मान सकते हैं कि युवाओं को उन्होंने अपने पार्टी में शामिल किया, भ्रमित किया और उनको ठगने का काम किया, उनसे झंडा बैनर उठवा रहे हैं, हो सकता है उसको वो लोग रोजगार समझते हों। मोदी जी का कहना है पकौड़ा तलना भी तो कहीं ना कहीं रोजगार है। बिल्कुल, देखिए अभी यादव जी हम लोग को चाय पिला रहे हैं, उनका रोजगार है। अब नौबत यही आ गया है कि हम लोग भी चाय बेचना चालू कर दें और पकौड़ा बेचना चालू कर दें, क्योंकि हिंदुस्तान जो एक सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को कहा जाता था, अब हम लोग कुछ दिन के बाद में मिट्टी और कुल्हड़ की चिड़िया कहा जाएगा, यही बच गया है देश में। कहीं ना कहीं मोदी सरकार पूरी तरह से लगभग फेल दिख रही है। आप देखें डीजल पेट्रोल के दाम, GST ने और नोटबंदी ने रियल इस्टेट की पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। इनका वादा था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन नोटबंदी के बाद ही पुलवामा हमला हुआ। क्या देखिए, पुलवामा हमला के बारे में पूरा देश जानता है, ये बहुत ही दुखद घटना हुई जो कि नहीं होना था। ज,
जैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम आम जनता को ये पता चलता है कि इंटेलिजेंस के पास ये 7 दिन पहले से रिपोर्ट थी कि कहीं ना कहीं ऐसा घटना है देश में, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी घटना है। तो क्या इंटेलिजेंस हमारा इतना कमज़ोर है या फिर हमारा मैनेजमेंट इतना कमज़ोर है, हमारा केंद्र सरकार होम मिनिस्ट्री इतनी कमज़ोर है कि हमने उस पर एक्शन नहीं लिया, या फिर कहीं ना कहीं ये घटना को एक साजिश के रूप में प्रस्तुत किया गया, ये केंद्र सरकार खुद जवाब दे, मोदी जी, अमित शाह जी खुद जवाब दें, और ये जवाब जो सिपाही मरे हैं उनको नहीं दें, उनके परिवार को नहीं दें, ये रोड में आकर के जनता को दे। क्योंकि जब आप वोट मांगने जाते हैं तो आप जनता से वोट मांगते हैं, किसी पर्टिकुलर आदमी से वोट मांगते हैं, तो ये जवाब भी उनको देना चाहिए कि ये गवर्नमेंट आखिर क्यों फेल कर रही है, और मीडिया से आप इतना क्यों भाग रहे हैं, मीडिया से रूबरू क्यों नहीं होता है। मन की बात रेडियो को अगर इतना ही आपको अच्छा लगता था कि पुराने समय में रेडियो चलता था और वही एक माध्यम था न्यूज़ सर्कुलेट करने का, तो आज के डेट में इतने मीडिया हाउसेस जो चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं? आप दूरदर्शन को चलाते, आप दूरदर्शन में आकर के इंटरव्यू देते, आप भागते क्यों हैं चैनल से? कहीं न कहीं पुलवामा हमला के जस्ट 6 महीने बाद ही चुनाव था 2019 का, तो कहीं न कहीं पुलवामा हमला चुनाव का एक साजिश तो नहीं था एक माहौल क्रिएट करने का? मुझे तो लगता है कि भाई ये ऐसी घटनाएं होती रही हैं हर सरकार बनने के पहले, इलेक्शन आने के पहले। आप यूपी को देख लीजिए, हर दिन वहाँ क्राइम हो रहा है, हर समय क्राइम हो रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थित लोग जो हैं इन्वॉल्वमेंट होता है। ये ठीक है, चलिए आज हम मान लें कि भाई बीजेपी की सीट्स ज़्यादा है, हर पार्टी अच्छी है, उसके लोग अच्छे हैं, तो इस तरह का घटना तो बिल्कुल, जहाँ पे केंद्र सरकार है, जहाँ खुद की सरकार हो, जहाँ केंद्र सपोर्टेड सरकार हो, वहाँ तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बात करें अगर हम झारखंड की, तो यहाँ बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं और लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था हेमंत सरकार ने, लेकिन रोजगार की बात तो दूर छोड़ें, जिनके पास रोजगार है उनका भी छीनने का प्रयास करें। आप देखें सहायक पुलिसकर्मी, 2500 सहायक पुलिसकर्मी लगभग 25 दिनों से मोरहाबादी मैदान में धरने पर बैठे, लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनकी मांगों को सुनने नहीं गया। कहीं ये सरकार निरंकुशवादी तो नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं, ये सरकार मुझे लगता है कि आने वाले समय में अपने आप को बिल्कुल सिद्ध कर देगी, और जो भी कमिटमेंट्स इन सरकार में हुई है, चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई हो, चाहे RJD की तरफ से हुई हो, चाहे JMM की तरफ से, ये बिल्कुल फुलफिल करेंगे। सहायक पुलिसकर्मी का बिल्कुल ही मुद्दा अलग है, क्योंकि जिस समय डबल इंजन की सरकार थी उस समय इन लोगों को नियुक्तियां दी गई थी और वो कंडीशनल नियुक्ति दी गई थी। तो ये सवाल तो BJP के सांसदों को केंद्र सरकार से करना चाहिए था कि जब हमने, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि राज्यसभा सांसद भी BJP से ज़्यादा हैं और सांसद जो MP हैं वो भी ज़्यादा हैं, तो ये मेरा सवाल ये है कि भाई वो लोग केंद्र की जब मीटिंग होती है, जब सेशन चलता है वहाँ पे वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं कि डबल इंजन की सरकार में रघुवर जी ने नियुक्ति दी थी, तो उस समय ये कंडीशन क्यों रखा गया था, ये कंडीशनल नियुक्ति क्यों दी गई थी? आप एक ही आदमी को रोज़गार देते लेकिन परमानेंट देते, उस पर वर्कआउट करने में निश्चित है कि हेमंत जी को समय लग रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा विश्वास है कि वो अच्छा निर्णय लेंगे और जनहित में ही निर्णय लेंगे। अभी तक आप देखिएगा कि पारा शिक्षकों के लिए भी हुआ था, स्पोर्ट्स में झारखंड का नाम रोशन करने वालों को डायरेक्ट नियुक्ति मिली है, तो कहीं ना कहीं रोजगार ज़रूर मिलेगा लोगों को। हाँ, आम जनता जो कोविड में परेशान हुई है उस पर भी केंद्र ने संज्ञान लेने की बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया कि मृतक परिवार को कम से कम मुआवजे पे 50,000 रुपये भी मिलने चाहिए। आज तक ये केंद्र की तरफ से एक स्टेप तक नहीं लिया गया कि उनके पास एक चिट्ठी भेजा जाए कि ठीक है देर सवेर, लेकिन आपको 50,000 का कंपनसेशन जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हम लोग उसको देंगे। कहीं न कहीं ये सुरक्षा व्यवस्था के साथ एक चूक थी, क्योंकि किसी प्रदेश में अनुबंध पे या कंडीशनल केसेज में सहायक पुलिसकर्मियों को या मिलिट्री वालों को भर्ती नहीं किया जाता। कहीं न कहीं रघुवर दास ने
सुरक्षा के साथ खिलवाड़। मैंने तो बिल्कुल एक लाइन में कह दिया कि ये तो जो डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार के जो राग अलापते थे लोग, उस समय तो नियुक्ति जब हुई तो उनको बताया गया था कि भाई ये कंडीशनल नियुक्ति है। अगर नहीं बताया गया था तो ये तो गवर्नमेंट ने छल किया ना। इसमें हेमंत जी तो उस समय थे नहीं, कांग्रेस पार्टी की सरकार तो थी नहीं, आरजेडी की अलायंस सरकार तो थी नहीं, वो तो बीजेपी की सिंगल गवर्नमेंट थी। जैसे अभी इनका परसों कल कैबिनेट मीटिंग थी और कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि 11 मंत्रियों के सरकारी आवास आवंटित किए नव निर्माण के लिए, लगभग 59 करोड़ के लिए। क्या ये 59 करोड़ आवास के बजाय युवाओं को रोजगार देने में नहीं खर्च किए जा सकते? बिल्कुल करने चाहिए। ये चूँकि प्रशासनिक मुद्दा है, इसमें आम आदमी आम जनता कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार को इस पर निश्चित विचार करना चाहिए कि एक सीएम के यहाँ पे जब रघुवर जी सीएम थे, झारखंड चला रहे थे, उस समय अनलिमिटेड पैसा बर्बाद हुआ उनके घर में। मुझे लगता है कि मेरे घर में एक सेट सोफ़ा जो है वो पिछले 8-10 साल से चल रहा है, उसका कपड़ा हम लोग मान लीजिए कि दिवाली, हर दिवाली तो बदलते नहीं है, साल 2 साल 5 साल में बदलते हैं। तो ऐसी उन लोगों के घर में क्या गंदगी है सीएम या मिनिस्टर्स के घरों में कि उनको हर 6 महीना में कलर चेंज करना पड़ता है या कुशन चेंज करना पड़ता है या कारपेट चेंज करना पड़ता है। ये निश्चित पैसे की बर्बादी है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जिस गवर्नमेंट भी, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, जरूर संज्ञान लेना चाहिए इस पर। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।